पुरस्कार की घोषणा यहां पर, उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार। आप जानते हैं कि सरपंच संसद का भी आयोजन यहीं पर किया गया था और ये सरपंच जो कि उच्च शिक्षित सरपंच हैं और ये सम्मान उनको है। और यहां मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे ऐसी ही एक उच्च शिक्षित सरपंच पूजा दास, शेखपुरा गांव हिसार हरियाणा से आती हैं। वहां की सरपंच पूजा दास जिन्होंने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद एक सरपंच के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की है, युवा सरपंच पूजा दास। आपकी जोरदार तालियों के बीच इस युवा सरपंच की हौसला अफजाई। हाईली क्वालिफाइड, आई थिंक सम बायोडाटाज, आई थिंक ईमेल्स वी हैव शेयर्ड मे बी, बट आई थिंक दिस आर द ग्रेट शाइनिंग एग्जांपल, द प्लेटफॉर्म वी हैव बिल्टेड, दिस वी हैव बिल्ट अप ओनली फॉर दिस पर्पस दैट यू नो द एजुकेटेड यूथ मस्ट कम इन पब्लिक लाइफ, लेट अस नॉट शाय अवे फ्रॉम पब्लिक लाइफ, वी वॉन्ट गुड पीपल इन पॉलिटी ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू, आई वॉन्ट यू टू गिव जस्ट वन मिनट मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Bharat Chhatra Sansad for encouraging us, and being a politician is not a taboo, especially for the girls, and that too young. We should come forward and be the change that we want to see in India. Thank you so much. Bahut bahut shukriya. Change makers ki bhumika mein ye yuva rajneeti mein jinhone padarpan kiya. Aur ab Mona Kourav, Sadumar gaon, Narsinhpur, Madhya Pradesh, उन्हें मंच पर आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहेंगे उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए। आपने एमएससी किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में और आप एलएलबी कर रही हैं। 21 वर्ष की उम्र में आप सरपंच बन गई, यंगेस्ट सरपंच हैं आप राज्य की। जोरदार तालियां मोना कौरव के लिए। मोना कौरव करप्शन, मैल न्यूट्रिशन और एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपने 11 बच्चों को एडॉप्ट किया है और उनकी देखभाल कर रही हैं। मोना कौरव, सबसे पहले वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र को मैं नमन करती हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छाव में सरपंच संसद भारतीय छात्र संसद जैसे शाखाएं पनप रही हैं, उन करार सर को नमन करती हूं एवं मंच पर विद्यमान विद्वत जनों को नमन करती हूं। सबसे पहले बात आती है राजनीति की, तो मैं बता दूं लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य परिषद तक सिर्फ घोषणाएं होती हैं, लेकिन सरपंच, मैं गर्व से कहूंगी कि सरपंच एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के बीच खड़े होकर जनता के काम करता है। आह्वान करना चाहूंगी मैं युवाओं का कि आइए राजनीति को, हमारी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा को आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, लेकिन सावधान युवाओं, हमें कलाम की जरूरत है, ऐसे राजनेता की जरूरत है जो जब राष्ट्रपति बना तो एक अटैची लेकर राष्ट्रपति भवन में गया और जब निकला तो वही अटैची लेकर बाहर आया। राजनीति वर्तमान में व्यवसाय का माध्यम बन चुकी है दोस्तों, हमें राजनीति में बदलाव लाना होगा। बात आती है महिला राजनीति की, तो इतिहास गवाह रहा है जब जब नारी शक्ति के हाथ में नेतृत्व आया है तब तब इतिहास रचे गए हैं। चाहे झांसी की रानी की बात हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो। इस मंच के माध्यम से मैं महिलाओं के 50% आरक्षण के विषय में भी अपना समर्थन देना चाहूंगी। मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्दवाचा हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद मोना कौरव के लिए, जोरदार तालियां। और अब आमंत्रित कर रही हैं स्मृति सिंह, रातसर गांव बलिया उत्तर प्रदेश से सरपंच स्मृति सिंह, आपकी तालियों के बीच।
इस पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार, आपने बीएससी किया और फिर उसके बाद एमबीए किया और फिर राह पकड़ ली कि देश और समाज के लिए कुछ करना है और सरपंच बनी। स्मृति सिंह, जोरदार तालियां आपके लिए। और एक छोटा सा संदेश युवाओं के लिए, विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आपको स्मृति सिंह का बार बार नतमस्तक होके प्रणाम। पहली बार शिवाजी की धरती को मैं छू रही हूँ, एक बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जहाँ से सत्याग्रह का बिगुल बजा था, जहाँ से जेपी जैसे आंदोलनकर्ता आए थे, जहाँ से मंगल पांडे जैसे लोग आए थे, उनकी धरती से मैं आई हूँ, बलिया की धरती से आई हूँ। मेरे अंदर भी बगावत का खून बह रहा है। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी युवा साथियों, मैंने आप लोगों को 3 दिन से बहुत गौर से देखा, मैंने देखा कि आप बहुत आराम से, बहुत सिंक्रोनाइज होके, बहुत उससे हर कुछ बात सुन रहे थे और बहुत कुछ सुना आप लोगों ने। तो आपके यहाँ पे मैंने देखा कि आप जो हैं नेता बनने के आपके सारे गुण में आप में विद्यमान है, क्योंकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत पेशेंस के साथ आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी अपने युवा साथियों से, भाइयों और बहनों, यहाँ पे मैंने आके देखा कि आपके में लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स को ही चुनिए तभी आप एक लीडर कहलाएंगे, क्योंकि जब तक हम लीडर नहीं बनते हैं तब तक हम केवल और केवल अपना विकास करते हैं, और जैसे ही हम लीडर बन जाते हैं वैसे ही हम दूसरों का विकास सोचने लगते हैं, और यही हमारे नेता होने का गुण हो जाता है। पहली बात, यहाँ पे मैंने देखा कि सारे के सारे युवा जो हैं बहुत ज्यादा विश्व जिगर पे जो चोट लगी है उस पे मरहम लगाने लायक आप युवा हैं। आपसे मेरी एक गुजारिश है, मैं सर से बोलूंगी, राहुल कराट सर से, कि बहुत दिनों से आप यहाँ पे एक बिल पास करा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी हैं, सैनिटरी पैड्स पे बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट ने में लगाया है, मैं चाहूंगी कि लड़कियों आवाज उठाओ और लड़कियों के जितने भी दोस्त भाई बाप बहन जो भी कोई है सब आवाज उठाए और सैनिटरी पैड्स को टैक्स फ्री करें। और हाँ लड़कियों, एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, आप शर्मिंदा ना हुआ कीजिए, आप कहीं पे हेजिटेट मत हुआ कीजिए कि आप हर महीने ब्लीड करती हैं, बल्कि आप कहा कीजिए यस वी ब्लीड एवरी मंथ एंड वी नीड सैनिटरी पैड्स इंस्टेड ऑफ क्रीम इंस्टेड ऑफ डियोज, ओके। मैं चाहूंगी, और एक और चीज जो कि अभी इन्होंने कहा, मैं चाहूंगी कि हर एक निचले तबके पे 33% आरक्षण क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं हम लोकसभा और विधानसभा तक जा पाते हैं, महिलाओं को एक रिजर्वेशन चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें 30% रिजर्वेशन मिले, लेकिन कम से कम हम उन जगहों पे तो जाएं जहां पे नीतियां बनती हैं, ताकि हम अपने वेलफेयर के लिए हम अपनी कुछ नीतियों में इंप्लीमेंट करें, कुछ नीतियां हम अपने लिए बनाएं, हम लड़कियों के लिए भी बहुत सारे नियम कानून जो हैं बनाएं और उन्हें इंप्लीमेंट करें। और एक और चीज राहुल करट सर से मैं कहना चाहूंगी कि आपके जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनको कृपा करके गाँव में भेजिए, और जितने भी आपके बैंक के स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के उन्हें भी गाँव में भेजिए, क्योंकि वहाँ पे हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पे सबसे अच्छा मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और वहाँ पे अच्छी अच्छी बैंकर्स आपको मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे से सेविंग करती हैं, आप उनसे बैंक के सारे रूल्स रेगुलेशन सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आइए हमारे साथ, आइए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति सिंह। मैं बताना चाहूंगा कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में हमने रूरल इमर्शन का प्रोग्राम किया है, जो मैं गांधी साहब से भी शेयर कर रहा था अभी, कि यहाँ के इस कैंपस में करीबन 17,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 5,000 इंटेक है इस कैंपस का, तो हर साल हम 5,000 स्टूडेंट्स को विलेज ले जा रहे हैं। अभी तक काफी छात्रों को लिया है, बट एक विलेज में 100-200 ऐसे विलेजेस हमने निकाले हैं जिसमें 50-50 छात्र हम भेजेंगे, और एक किसान के घर में 2 छात्र उसके घर में रहेंगे 7 दिन, और उस गाँव के लिए कुछ इनोवेशन करेंगे वो हमारे इंजीनियर्स।
हमारे एमबीए के बच्चे, हमारे फार्मेसी के बच्चे, हमारे बाकी के भी बच्चे, तो रूरल इमर्शन, तो वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री की योगा. थर्सडे को हमारा योगा यहाँ पे होता है और पूरे साल में फर्स्ट ईयर में जब भी एडमिशन एमआरटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में होती है तो पूरे साल में 30 बार आपको योगा करना है और 30 में से 25 बार अगर योगा आपने किया देन ओनली यू कैन गो टू द सेकंड ईयर. दैट इज अ क्राइटेरिया. तो ऐसे काफी सारे विषय है बट थैंक यू सो मच. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आपने बात बोली और धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति सिंह. बहुत बहुत धन्यवाद. और अगला नाम जो हम ये पुकारने जा रहे हैं वो है नासिर खान साहब, जो कि बीजापुर गांव फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं. जोरदार तालियों के साथ उच्च शिक्षित सरपंच अवार्ड के लिए आपने बीबीए किया है और आप नेशनल लेवल के स्क्वाश प्लेयर भी हैं. जोरदार तालियों के साथ हरियाणा के यंगेस्ट सरपंच नासिर खान. एक संदेश. सबसे पहले जैसे कि साथियों ने कहा, वीर शिवाजी की धरती को प्रणाम नमस्कार. और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस महान धरती पर, इस महान अवसर पर मैं पधारा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल करड़ साहब का जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे सारे सरपंच साथियों को. मैं बता दूं कि देश में पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें 100% पंचायतें पढ़ी लिखी आई हैं, जिसमें एक भी पंचायत में अनपढ़ सरपंच नहीं है. ये एजुकेशन क्राइटेरिया लाके सरकार ने बहुत बहुत अच्छा किया जिससे हम जैसे युवाओं का, आप जैसे युवाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला. और जैसे कि कहते हैं गांव गरीब और गांधी की सोच से भारत बनता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान आपका. और अब अगला नाम जो हम पुकारने जा रहे हैं वो है सुमन चौधरी. सुमन चौधरी शहजाद वाला गांव यमुनानगर हरियाणा से आती हैं. युवा सरपंच, उच्च शिक्षित, एमएससी किया है और बायोटेक. आपकी तालियों के बीच सुमन चौधरी. तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी. भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन उच्च शिक्षित सरपंच. एक संदेश. सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य और युवा शक्ति को मेरा प्रणाम और यहाँ की शिवाजी धरती को शशत नमन. और मैं अपनी युवा शक्ति को यही कहना चाहती हूँ कि सच्चे ईमानदार और ऊर्जावान युवा शक्ति हो आप सब कुछ कर सकते हो. जो भीड़ एक सदी में करेगी वो आप एक वर्ष में कर सकते हो. आपकी सफलता का आकलन इस बात से नहीं है कि आपने क्या किया, आपने क्या पाया. सबसे बड़ा आकलन इस बात से है कि आपने अपने राष्ट्रीय हित के लिए क्या किया. तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप राजनीति के क्षेत्र में आए. हमने कल एक क्लिप देखी थी जिसमें संसद भवन का दृश्य दिखाया गया था. जूते चप्पल चेयर चलाई हुई थी और जिसमें बताया गया था कि नेता की कोई जात नहीं है. लेकिन हम वो शिक्षित, आप सब वो शिक्षित युवा हो जो एक शिष्टाचार संसद पेश करोगे आने वाले भविष्य में. तो मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद राहुल करार सर जी को है जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया. और मैं एमएससी बायोटेक थी और जॉब भी करती थी, एक रिसर्च सेंटर में भी थी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी थी. तब मैं यही सोचती कि ओहो एमएससी बायोटेक कर लिया और राजनीति में आ गई. लेकिन जब आप लोगों के बीच में लोगों की भलाई के लिए काम करते हो तो आपको एहसास होता है कि बहुत अच्छा फील होता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं. मैंने अपने गांव में ऐसे फैसले किए हैं जो 20 सालों से किसी सरपंच ने नहीं किए थे. और जो ये फैसले किए हैं, जो मैं इतना अग्रसर हूँ इस समाज, इस राजनीति में, उसमें सबसे बड़ा साथ मेरे हस्बैंड ने मेरा दिया है जो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को हर मंच पे, हर प्रोग्राम पे. तो मैं ये भी कहना चाहूंगी अंत में कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि भारत भविष्य गुरु बने और इसके लिए सबसे अग्रसर हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं
और यहाँ पर हमारे राहुल जी कर रहे हैं जो 8 सालों में इतने नरेंद्र उत्पन्न कर रहे हैं इस मन से. धन्यवाद. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मंच पर हम आमंत्रित करेंगे इसी पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए ऋतु पंद्राम सरबहारा गांव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से युवा शिक्षित उच्च शिक्षित सरपंच के पुरस्कार के लिए जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित. एमएससी किया है और छत्तीसगढ़ की यंगेस्ट सरपंच हैं ये. ऋतु पंद्राम ट्राइबल्स के लिए काम करती हैं, आदिवासियों के लिए काम करती हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रही हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको जरूरत है. और इसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी क्रैक करना चाहती हैं. ऋतु पंद्राम साथियों, इन युवा साथियों को देखकर एक नया जोश आ गया है मुझ में. तो चलिए आप लोग भी सभी एक साथ दे दीजिए मुझे. भारतीय छात्र संसद जिंदाबाद. भारतीय छात्र संसद जिंदाबाद. भारतीय छात्र संसद जिंदाबाद. अब मौका मिला है तो मैं भी अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करना चाहूंगी. सर्वप्रथम मैं कुमारी ऋतु पंद्राम ग्राम पंचायत सारबहरा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ. भारतीय छात्र संसद के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित मैं यहाँ मंचासीन आप सभी मातृपितृ शक्तियों को छात्र शक्तियों को सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ, सेवा जोहार करती हूँ और इस आदर और मान सम्मान के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. साथियों जैसा कि आज सत्याग्रह की बात हो रही थी, गांधी जी का भी सपना था कि वह गाँव को अंतिम छोर में जो व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा से लेकर आए. जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश भारत गाँवों टोलों मोहल्लों में बसने वाला देश है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने गांवों को देशों को अपने गांव को मोहल्लों को एक समाज के एक मुख्य धारा में लेकर आएं. और साथ ही हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि हम अपने समाज के लिए सोचें, इस धरती के लिए सोचें, इस पृथ्वी के लिए सोचें और साथ ही यह भी निश्चय करें कि हम किस तरह से अपना योगदान समाज को या फिर देश को अच्छा बनाने में दे सकते हैं. मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर सभी युवाओं साथियों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और करास सर का इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया. और साथ ही ये सम्मान साथियों सिर्फ ये मेरा नहीं, मेरे ग्राम पंचायत के मेरे ग्रामवासियों के उस प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है जिसने मुझे ये नेतृत्व का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका नेतृत्व कर सकती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. युवाओं को कहना चाहूंगी कि आप भी इस क्षेत्र में आए क्योंकि सर बस दो लाइन और मैं ये कहना चाहूंगी कि बुद्धिजीवी और शिक्षित तो बहुत हैं हमारे देश में, परंतु वो ईमानदार और चरित्रवान हो जाएं तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं और वो देश को संकट के समय एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपके विचारों के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. और एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. कृपया सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें. ये सब व्यक्तित्व, ये सब चेहरे हमारे और आपके बीच से आए हुए चेहरे थे जिनको हमने देखा और महसूस किया कि अगर आप करना चाहें तो कोई भी काम ना तो छोटा है और ना तो असंभव है. और यही प्रेरणा लेकर हम चाहेंगे कि इस पंडाल से बाहर आप जब निकलें तो अपनी गठरी में ये सारे अनुभव यहां से बटोर कर ले जाएं.